सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है बेसिकली बताता है, अगर आपने एक ट्रायंगल खींचा, ठीक है, और इस ट्रायंगल का मान लीजिए ABC आपका क्या है, आपका एक ट्रायंगल है, और आप लोग मिड पॉइंट मार रहे हैं पी एंड क्यू, एक मिड पॉइंट मान लीजिए। अगर आप मिड पॉइंट मतलब जो PQ है इसको मिलाएंगे तो आपका जो PQ होगा बेसिकली किसके पैरेलल होगा, PQ आपका पैरेलल होगा बी से, यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। तो मिड पॉइंट थ्योरम देखिए क्या कहता है कि अगर आप कोई दो लाइन पर क्या करें मिड पॉइंट ड्रा करें, तो वह जो मिड पॉइंट आप लोग ड्रा करेंगे लाइन, वह जो लाइन है थर्ड के पैरेलल होगी, यानी वह BC के पैरेलल होगी। कुल मिला जुला कर मान लीजिए कोई आपको मान लीजिए ट्रायंगल दिया है, तो आप लोग मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो आपकी जो ये लाइन होगी बेसिकली यह लाइन उसके थर्ड लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर इसके ऊपर भी रहेगा तब भी उसके पैरेलल होगी, नीचे रहेगा तो भी पैरेलल, लेकिन ऊपर वाली को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है? तो कुल मिला जुला कर मिड पॉइंट थ्योरम पहला बात यही कहता है कि अगर आपने कहीं से मिड पॉइंट से क्या किया पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, तो वह जो लाइन होगी यानी PQ लाइन होगी थर्ड लाइन यानी BC के पैरेलल, पहला थ्योरम ही है। और दूसरा थ्योरम इसी का जस्ट अपोजिट है। क्या अपोजिट है? कहता है कि आप लोग इसी का मतलब उल्टा सोचें कि मान लीजिए अगर दो लाइन पैरेलल आपस में है, मतलब अगर आपका BC जो आपकी ए वाली लाइन है बेसिकली और ए वाली लाइन अगर दोनों आपस में पैरेलल है, तो यह क्या करेगी, यह लाइन को बाइसेक्ट करेगी। किसको बाइसेक्ट करेगी? AB को। और किसको बाइसेक्ट करेगी? AC को। जब वही बाइसेक्ट करेगी तो हमारा आधा बात हो जाएगा कि नहीं, तब नहीं लिख सकते AQ = QC, ठीक है? बाइसेक्ट मतलब तुम जान ही रहे भैया आधा होता है, ठीक है? उसी प्रकार हम लोग AP = PB लिख देंगे। क्यों? AB तो भैया दोनों को बाइसेक्ट करेगी। तो कुल मिला जुला कर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में क्या जाने कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है उसमें आप लोगों ने एक मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रा किया है, तो वह लाइन जो है ए वाली लाइन उसके नीचे या थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये बात तो पहली बात ये समझ लिया। और दूसरी बात हम इसी का उल्टा सोचेंगे, यानी जो पैरेलल लाइन है अगर आपस में पैरेलल है तो यह बाइसेक्ट भी करेंगे। बस वही बात है AP = PQ। इसी पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 बेस है, तो बहुत ध्यान से उसको देखिएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस हमें यही फंडा क्या रखना है, यही फंडा हमें दिमाग में रखना है, ठीक है?